स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री के कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। उसमें से हम पहला लेते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट एक ऐसी शेप होती है जिसकी ना लेंथ है ना ब्रेथ है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं डायमेंशनलेस, ना लेंथ ना ब्रेथ। इसे बनाने के लिए, इसको फिगर आउट करने के लिए हम लोग एक शार्प पेंसिल या जैसे मेरे पास ये है मार्कर या स्केच या चौक, हम एक प्लेस पर ऐसे डॉट बना देते हैं, इसी को आप पॉइंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? ऐसी शेप जिसकी ना लेंथ हो ना ब्रेथ हो। एक दूसरा आप इसके बारे में समझ सकते हैं कि सपोज ये आपका क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल में आप ध्यान से देखें, ये आपकी रेडियस हो गई। अगर आप इस रेडियस को कंसिस्टेंटली धीरे धीरे छोटी बनाते जाएं, ध्यान से देखिएगा, ये छोटी रेडियस बनाते जा रहे हैं और छोटा कीजिए, तो फाइनली एक पोजिशन ऐसी आएगी, ऐसी कंडीशन। ठीक है, इस शेप को ये जो ये है यही आपका पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पॉइंट। तो एक ऐसा सर्कल भी कह सकते हैं हम पॉइंट को जिसकी रेडियस जीरो हो। क्या हो? रेडियस जीरो हो। तो पॉइंट एक दूसरी डेफिनेशन भी है पॉइंट की, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या हो, सर्कल की रेडियस क्या बन जाए, रेडियस इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया? तो डॉट रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट को, किसी की लोकेशन को, और उसकी दूसरी डेफिनेशन है सर्कल की वो शेप जिसकी रेडियस जीरो हो जाए। ओके, अब आता है लाइन। लाइन क्या है? लाइन एक ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिन्हें मिलाने से एक स्ट्रेट पाथ बनता है, एक सीधा रास्ता कह दीजिए आप। जैसे ये मैं कुछ मान लेता हूं, अगर मैं इन्हें ज्वाइन करता हूं इस तरीके से, तो ये आपकी एक लाइन बनती है। और ये लाइन की खासियत होती है कि ये एक्सटेंडेड होती है दोनों तरफ। आप इसे इधर भी कहीं तक ले जा सकते हैं, इसको इधर भी किधर कितनी भी लेंथ तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या, लाइन। और इस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं इनफाइनाइट। कितने होते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल ये हम कह सकते हैं इस तरह से, इसे आप कहेंगे कि नॉट डिफाइंड, गिने नहीं जा सकते इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब आता है लाइन सेगमेंट। किसी लाइन, ध्यान से सुनिएगा, किसी लाइन के दो पॉइंटों की लेंथ जो होती है या जो पार्ट बनता है, ये एक लाइन है मेरे पास, इस लाइन में कहीं भी दो आप डॉट लगा दीजिए, दो पॉइंट ले लीजिए, ये ए बी मैंने कंसीडर कर लिया। मैं ऐसा भी कर सकता था, मैं यहां पे मान लेता सपोज सी, तो ये जो ए बी बन के आया, ये बन के आया एक लाइन सेगमेंट। क्या बन के आया? एक लाइन सेगमेंट। आप इसमें से बी सी भी ले सकते हैं लाइन सेगमेंट को, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि भाई सी बी हो गया, या ए सी भी ले सकते हैं आप लाइन सेगमेंट। तो इस तरह से जो बनते हैं किसी लाइन के दो पॉइंटों को लेकर के जो पार्ट, एक सेक्शन जो हमने अलग किया है, वो आपका क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। आता है रे। हाँ, इसमें क्या चीज है, इसमें एंड पॉइंट होते हैं। कितने? दो, टू एंड पॉइंट्स। क्या होते हैं इसके? दो एंड पॉइंट होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? कितने एंड पॉइंट होते हैं? दो एंड पॉइंट होते हैं। अब आ जाइएगा रेज। रेज क्या होती हैं? रेज एक पॉइंट तो इनका फिक्स होता है, सपोज यहां पर एक ए पॉइंट है, फिक्स है, लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो इस तरफ से बने, ये आपका एक्सटेंडेड होगा इनफाइनाइट। इसे आप ए, और यहां सपोज कंसीडर कर रहा हूं मैं भी, है नहीं यहां पर, ये जो ए बी बनी है इस तरीके से, ये ए बी एक रे बन गई है, ये साइन का थोड़ा सा ध्यान रखने। और जो है लाइन ए बी में अगर बनाना चाहूंगा तो उसमें दोनों तरफ एरो बनता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है लाइन। ये होता है लाइन सेगमेंट और ये होगी रे। रे में क्या होता है, एक तरफ फिक्स पॉइंट होता है, एक तरफ एंड पॉइंट होता है, और दूसरी तरफ वो एक्सटेंड हो सकती है इनफाइनाइट तक। अभी इसको मैं दूसरी शेप कैसे दे सकता हूं, सपोज इस बार ए इधर माने और इस तरफ को एरो ले लें हम लोग, तो ये भी आपका लाइन सेगमेंट रेज को रिप्रेजेंट करता है। इसे आप अगर इस बार इधर बी मान रहे हैं, तो ये आपका ए बी हो गया, ए से बी की तरफ, और यहां भी ए से बी की तरफ था, बस आपको डायरेक्शन देखनी कि ये इस डायरेक्शन में था और ये इस डायरेक्शन में, दोनों के दोनों रे को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम आगे के पॉइंट्स पे चलते हैं। लिखा हुआ है हेडिंग
कॉलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स स्टूडेंट्स? कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब होता है कोलिनियर, एक लाइन में होना। अगर कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए जाए, सपोज ऐसे पॉइंट्स हैं मेरे पास 3, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, उन्हें ज्वाइन करने से अगर आपको एक लाइन सेगमेंट या एक लाइन मिलती है तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं, यानी कि वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब लाई इन अ लाइन। किसमें लाई करेंगे? वो सब एक लाइन में लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स दिए हुए हों और उनसे हम कंस्ट्रक्शन करें, उन्हें ज्वाइन करें और स्ट्रेट लाइन ना बने, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, दो पॉइंट है, तो हमेशा ये दोनों के दोनों कॉलिनियर होंगे, हमेशा होंगे दो पॉइंट तो कॉलिनियर। सपोज 3 पॉइंट है, 1, 2, 3, अब आप जब इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये तीनों पॉइंट जो हैं, एक बार ज्वाइन करने पे, अगर आप ज्वाइन करें तो इधर तो एक लाइन सेगमेंट बन सकता है, लाइन इधर भी एक लाइन या लाइन सेगमेंट बन सकता है, इनसे भी एक लाइन या लाइन सेगमेंट बन सकता है, लेकिन तीनों को एक साथ ज्वाइन नहीं किया जा सकता, या उन्हें कह दें हम एक लाइन में तीनों नहीं आएंगे। तो ऐसे पॉइंट्स जिनसे एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है वो कहा जाता है, वो पॉइंट्स कहे जाते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कौन से स्टूडेंट्स? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर का मतलब क्या हुआ? एक लाइन में ना होना। अब आता है 3 पॉइंट्स टू बी कॉलिनियर, ऐसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। आपने 3 पॉइंट लिए, तीनों को आपने ज्वाइन किया, ये सपोज ए बी सी, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या कीजिए आप, एक लाइन लेंथ निकाल लीजिए ए बी लाइन सेगमेंट, एक निकालिए बी सी लाइन सेगमेंट और एक निकालिए ए सी लाइन सेगमेंट। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो 100% आप ये याद रखिएगा कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी की सिचुएशन होगी, कि दो जो ये लेंथ है इंडिविजुअल, इनका सम पूरी होल लेंथ के इक्वल होगा। अगर ऐसा नहीं है, सपोज ये चीज यहां पे कह दें इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो इस केस में हम कह देंगे नॉन कोलिनियर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो कोलिनियर, और इक्वल नहीं है तो नॉन कोलिनियर। करेक्ट।